फ्रेंड्स, मैं इस समय एक ऐसे डॉग शो में हूँ जो बहुत ही बेहतरीन डॉग शो होता है। ये जगह बहुत स्पेशल है, गुरुओं की धरती है अमृतसर। जब नाम अमृतसर है तो बहुत ही बढ़िया, हर किसी को समझ में आ जाता है कि यार आई एम टॉकिंग अबाउट गुरुओं की धरती। और यहाँ की दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं। सबसे पहले तो यहाँ का जो खाना है वो बहुत मशहूर है। अमृतसर का फूड ऐसा होता है जो मतलब वर्ल्ड ओवर फेमस है। और अमृतसर में जितना मर्ज़ी हैवी फूड खा लो, आपको डाइजेस्ट बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि यहाँ के पानी में एक शफा है। हाय एवरीवन, आज अमृतसर डॉग शो में और मेरे साथ में सिंह साहब। सिंह साहब नाम बताइए प्लीज। अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी, और ये बीगल बेबीज को सेल करने के लिए लाए हैं। इनके पास में ये बीगल बेबीज हैं, अप्रॉक्स 1.5 मंथ्स ओल्ड इन्होंने बताया है इनकी एज। और ये देखिए, मैंने रैंडमली एक बेबी को उठाया। और पाजी, क्या रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर, फीमेल का 20,000 है। ओके। मेल का 25,000 है। ओके। सबसे बड़ी की बात है सर, इनका फादर मदर चैंपियन लाइन की। अच्छा, वेरी नाइस, गुड। और सर पेपर अप्लाई हुए हैं, पेपर आ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्वालिटी सबसे बढ़िया सर। ओके। जो फीड पड़ रही है उसको प्रोफेशनल फीड पड़ रही है। प्रोफेशनल डाल रहे हैं? कौन सी कंपनी की डाल रहे हैं? सर पेडिग्री प्रो। पेडिग्री प्रो डाल रहे हैं। ओके, गुड गुड गुड। अब वो रखा भी हुआ, अपने सामान भी साथ में। सुपर है जी। गुड जी, गुड। बड़ी बात है, आप रखोगे जो भी लेगा उसको ये होगा कि अंदर शो में हम खेल सकते हैं। गुड। इस तरह की ना बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स मिल जाती हैं आपको जब आप डॉग शोज में आते हैं। और आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी जनाब, ये छोटे छोटे से दो हैं जी, और ये वेट कर रहे हैं नए घर जाने के लिए। कितनी एज के भाजी? ये वाला बेबी 9 मंथ्स का है एंड दिस इज 4 मंथ्स ओल्ड। ओके, और क्या रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाजी? 10,000 सर। ओके, 7,500। ओके, ये 10,000 का है जी, और ये 7,500 का है। ये उन दोस्तों के लिए जो लोग कहते हैं यार छोटा सा बच्चा कौन पालेगा, कौन शू शू पॉटी साफ करेगा, कौन कैसे उसको, कौन इस, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। तो इस तरह की सेमी ग्रोन अप ऑप्शंस आपके पास में रहती हैं, एक चीज़। दूसरा, जब आप सेमी ग्रोन अप लेते हैं तो उसको अच्छे से चला फिरा के अपनी सेटिस्फेक्शन करके लीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी वाली ऑफर्स भी हो सकते हैं। और समटाइम्स अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कई बार आप गलती भी कर जाते हैं। वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, थैंक यू। ये डॉगो है जी, फीमेल, इसको ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, बिकॉज यहाँ पर ठंड बहुत है और इसके बाल बिल्कुल छोटे होते हैं। ये बीगल है सेमी ग्रोन अप में, और एक और बीगल 8 मंथ्स, और 8,000 इसका रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाय मैडम, हाउ आर यू, कैसे हो, कैसे हो आप? और इसके साथ में एक वो बैठी है छुटकी सी पीछे, उसका रेट 15,000 बताया था जी, 15,000 रुपये इसका मैडम का रेट है छुटकी वाली का। हेलो। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास में फ्रेंच मैस्टिफ बेबीज हैं। आ गया, पास से देखो, ये फ्रेंच मैस्टिफ बेबीज हैं जी, अप्रॉक्स 40-45 डेज के करीब एज है इनकी। साथ में बीगल बच्चे हैं, और ये सेल पे हैं जी। 18,000 रुपये का फ्रेंच मैस्टिफ मिल रहा है जी यहाँ पे, और 4500 का मेल बताया बीगल, हाँ जी 5500 का बीगल मेल दे रहे हैं जी, और 4500 रुपये की बीगल फीमेल दे रहे हैं। वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारे अलग अलग ब्रीड स्टैंडर्ड्स होते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरे पास में बड़े सुंदर से बच्चे हैं, सोए हुए हैं गाड़ी की डिक्की में। भाई ने एक बढ़िया काम किया, और यहाँ पे इनको कम से कम डायरेक्टली ठंड नहीं लग रही, डायरेक्टली हवा नहीं लग रही। जो बीगल बेबीज हैं, 8,000 का मेल, 6,000 की फीमेल, अमेरिकन पिटबुल जो है 8,000 का मेल, इस तरह की बहुत सारी ऑफर्स डॉग शो में चलती रहती हैं, मिलती रहती हैं। और लोग अपने चॉइस, अपने बजट के हिसाब से अलग अलग डॉग परचेज करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड, योर होस्ट बादल भंडारी, एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ में इस समय बहुत शानदार सा एक डॉग शो चल रहा है मेरे आसपास, और मैं बहुत ही प्यारी सी जगह पे हूँ, और बहुत ब्लेस्ड जगह है क्योंकि ये गुरुओं की धरती है। मैं बात कर रहा हूँ अमृतसर की, और अमृतसर में बहुत ही शानदार सा डॉग चल रहा है इस समय। मेरे साथ में एक सिंह साहब हैं, मेरे पास से गुजरे हैं। सिंह साहब बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के डॉग शो का? बढ़िया रहा। ओके, बच्चों को दिखाने के लिए आए डॉग शो? हम हर साल आते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रखा हुआ आपने अभी कोई डॉग? रखा था पहले, अभी नहीं। अच्छा, ओके, के लिए रखा हुआ। गुड गुड गुड। शुभ नाम आपका? सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह जी, थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने एक रैंडमली एक भाई को पूछा कैसा है उनका एक्सपीरियंस, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और एक मजे की बात बताता हूँ, दो ऐसे डॉग मैंने यहाँ नोटिस किए हैं जो सबसे ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई एंट्री नहीं दी। अभी मैं आपको वो डॉग दिखाता हूँ।
अब ये देखिए, ये जो डॉग दो घूम रहे हैं यहाँ पे छोटे वाले, ये स्ट्रे डॉग्स हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं ये लोग, बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस समय अंदर दो रिंग चल रहे हैं, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं अपने अपने डॉग्स को लेके। ये देखिए एक डॉबरमैन का एक पेयर है यहाँ पे घूम रहा मेरे आगे, बहुत प्यारे से डॉग है, उन्हें पास से भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। फ्रेंड्स मेरे साथ में तीन बहुत प्यारे से बच्चे हैं, सबसे जो छोटे वाली है इसका नाम निंजा है और ये बॉक्सर फीमेल है एंड शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। इसके ईयर्स भी बहुत अच्छे क्रॉप हो रखे हैं। आपका क्या नाम है पहले बताओ? मेरा नाम युवराज। युवराज, और बेटी आपका? श्रेया वर्मा। ओके, सो ये बच्चा आप लोग कहाँ से आए ये बताओ? जलंधर से आए। डॉग शो में इसको लेके आए, पार्टिसिपेट किया? Yes. जीता इसने? Yes. गुड यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले तो क्या क्या जीती है? हाथ मिलाते हैं अंकल से। क्या जीती है? सीसी जीत गई। ओ क्या बात है, इसको पता लड़की, तुझे पता तूने सीसी जीता है? भैया और दीदी को प्राउड फील करवा रहे हो। बहुत बड़ी ब्लेस्ड मूवमेंट होती है पेरेंट्स के लिए, पेट पेरेंट्स के लिए, जब हम डॉग शो में आते हैं और हमारा बच्चा विनिंग करता है। और कई बार होता है बच्चा नहीं जीतता, तो उसमें पैनिक होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अपने बेबीज जो हैं, बच्चे हैं, वो लोग भी कई बार अच्छे से पोइम बोल पाते हैं स्कूल स्टेज पे जाके। कभी कभी वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते, इवन देन दे आर बेस्ट किड्स। सो ये जो हमारी गुड़िया है सुंदर सी, ये भी बहुत प्यारी है। वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक जर्मन शेफर्ड है, उसको घुमा रहे हैं भाई साहब। और हाँ जी ब्रदर, कहाँ से आए? अमृतसर से हैं। क्या नाम है डॉग का? कैंपस। और कितनी एज होगी इसकी? दो साल की। ओके गुड, तो इसे शो में लेके आए हैं? कैसे आया है कुछ? नहीं अभी नहीं आया। अच्छा ओके ओके, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरप्रीत सिंह। हरप्रीत, डॉग ट्रेनर हैं आप? जी जी। ओह ग्रेट यार, ये हरप्रीत जी हमारे साथ अमृतसर के डॉग ट्रेनर हैं जी, और इनके साथ में इनका बहुत प्यारा सा फ्रेंड है जिसको आज ये शो करने के लिए लाए हैं। थैंक यू डियर, बेस्ट विशेस। हेलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देखो जी मज़ा आ गया, देखिए बहुत ही शानदार सा रॉटवेलर, और हम डॉग शो में आए हो और इन जनाब की बात ना हो तो फिर डॉग शो अधूरा है उसके बिना। ही इज़ हैविंग ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल हेड एंड टाइप एज वेल, शानदार बच्चा है जी। एक बहुत प्यारा सा बच्चा है यहाँ पे, उसे सिंह साहब और प्यारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये जीत गए हैं बच्चे। ओके ये देखिए जी, ये तीन ट्रॉफीज जीती हैं जी इस बच्चे ने। और ये है शिजू बच्चा, बहुत प्यारा सा। नीचे देखिए चौचो बैठे हैं जनाब, बहुत क्यूट से, बहुत क्यूट नहीं कह सकते, क्यूटनेस ओवरलोडेड कह सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, विलियम कितनी एज का हो गया ब्रदर? ये एक साल का है। कहाँ से आए, कहाँ से आप? मंडी अहमदगढ़। ओके बहुत प्यारा सा चौचो है जी ये, और ये एक साल का है। सब मेरे साथ में एक बहुत ही प्यारा सा डॉग है, आप देखिए कितना अच्छा उसे बिल्कुल कह सकते हैं ग्रूम किया हुआ है, ऑनर ने कितनी संभाल से रखा हुआ है। और जनाब का नाम है सिकंदर। सो ब्रदर यू ऑन दिस, आपका है? ओके कितनी एज होगी सिकंदर की? 15 मंथ्स ओल्ड। और ये फर्स्ट शो है इसका, पहले भी लाते हैं? सर चैंपियन हो गया। ओके ऑलरेडी चैंपियन है। ओके बहुत प्यारा बच्चा है जी, और ये 15 मंथ का सिम्बा है, और ये बहुत ही शानदार लग रहा है, इसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया इसके ऑनर ने। ये दीवान कैनल से है जी, और ये है शिजू, खूबसूरती एट इट बेस्ट, बहुत ही शानदार तरीके से मेंटेन किया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। हाय जी, मेरे साथ में बहुत ही शानदार से सिंह साहब है। सिंह साहब क्या नाम है पहले तो अपना नाम बताइए? हरमीत सिंह। हरमीत जी कहाँ से आए आप? अमृतसर। सिंह साहब, ओह क्या बात है, इनका बहुत ही प्यारा सा फ्रेंच बुलडॉग है जी, और इसकी खूबसूरती देखिए आप, कान इतने सुंदर है ना, दिल कर रहा है तलाएं डाल के ना इसको उड़ाऊं पतंग की तरह ना, बहुत शानदार बच्चा है। शो के लिए लाए हैं जी, वैसे घुमाने लाए हैं? घुमाने के लिए लाए हैं बिल्कुल जी, इसको पता होना चाहिए इसके नाम के बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। गुड जी, हाँ जी ब्रदर, कितनी कितनी एज के डॉग हो गए जी? जी ये डॉबरमैन कितनी कितनी एज के हो गए जी? ये सारा यूरोपियन डॉबरमैन है, 11 साढ़े 11 मंथ का। ओके 9 मंथ है। ओके ये भी यूरोपियन है? हाँ यूरोपियन है, इधर फादर मदर इंपोर्ट है। ओके जर्मनी तो डायरेक्ट। ओके केरला तो आया हुआ। अच्छा 4 मंथ का ना डिलीवरी की था। अच्छा हाँ जी। ओके ओके ओके, आप यहाँ लोकल अमृतसर से? हाँ जी, तो अपना तरन तारण साहिब। अच्छा तरन डिस्ट्रिक्ट तरन तारण साहिब
ਚਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੋਤਰਮ ਚੰਦ ਕਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋ ਕੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਅਜ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਪਰ ਲੇਟ ਭੇਜੇ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਬਟ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਅਗਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਪਨੇ ਭੇਜੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋ ਆਪ ਉਸਕੇ ਬਿਹਾਫ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਉਸਕਾ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਅਗਰ ਰਿਸਿਪਟ ਹੋ ਤੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। सो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए रिंग स्टार्ट हो रहा है बीगल डॉग्स का, और सभी पेट ऑनर जो है बीगल के वो लाए हुए अपने डॉग्स को अंदर, अपनी अपनी टर्न की एंट्री वेट कर रहे हैं। इस समय जो डॉग है वहाँ पे स्टूल पे टेबल पे उसको हैंडल कर रहे हैं मिस्टर अरुण सलारिया, और ये हमारे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनोन ब्रीडर्स में से एक हैं, बहुत ही सीनियर हैं, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है इनकी ब्रीडर गेम में, और बहुत जेंटलमैन है। और अगर आप बीगल की क्वालिटी देखोगे तो वो भी बहुत बढ़िया है। आप देखिए जज उसकी चेक कर रहे हैं, टीथ, ईयर, ईयर पोजिशन, टेल सेट, सब देखिएगा, सब कुछ चेक करते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर हाथ फेर के चेक करके देखा जाता है, टेस्टिकल्स भी चेक किए जाते हैं, टेल भी देखिए, वो देखिए जज चेक कर रहे हैं। और सामने जो ये जिन्होंने उठाया ये मिस्टर अरुण सलारिया है, बहुत अच्छे रिनोन पर्सन है जी ये, और वे बड़े भाई जैसे हैं। मूव देखिए कितना अच्छा कर रहा है डॉग, कितना अच्छा मूव कर रहा है, बहुत ही शानदार। ये फ्रेंड्स बहुत ही शानदार से छोटे छोटे से बच्चे हैं, मतलब ये होंगे तो बड़े एज में, लेकिन साइज बहुत छोटे हैं जनाब के। देखिए बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, टॉय फॉर्म है, खड़े होने की पोजीशन देखिए उसकी ब्यूटी, टेल देखिए आप, पिछली लेग्स बिल्कुल पैरलर, और ये जनाब ने अपना चेहरा भी दिखाया। हाँ जी, हम तो शेरे बब्बर होते हैं, क्या नाम है जी इसका? नवाब। हाँ नवाब, नवाब साहब कितनी एज के हो गए हैं जी? 9 मंथ का है। कहाँ से हैं ब्रदर आप? बंगा नवा शहर से। देखिए जी बहुत अच्छा कोट है, ऑनर ने उतना ही अच्छे से मेंटेन किया है, कोई टैंगल्स नहीं, कोई कुछ नहीं। सो जो लोग कहते हैं कि भैया ये बड़े बालों वाले डॉग हैं लेकिन मेंटेन नहीं होते, बाल झड़ते हैं, ये उन लोगों के लिए एक एग्जांपल है कि डॉग को मेंटेन कर सकते हैं अगर आप जेन्युइनली दिल से चाहें तो। ये देखिए जी, ये वो हमने नवाब देखा था, और एक छुटका सा बेबी और है जो कि बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट होते हैं हम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरी बहुत ही पसंदीदा ब्रीड्स में से एक साइबेरियन हस्की रिंग चल रहा है। आप ये देखिए एक ये कलर है इसमें, और ये इसका बाय हो गया है, इसको जाना पड़ रहा है बिकॉज शायद आज इस बच्चे ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया या जजेस को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, वो मैटर नहीं करता। ये देखिए ये पैब्लो वाला कलर है जो हमारे पास में पैब्लो है, आपने हमारा पैब्लो भी देखा है और ये बच्चे भी देख रहे हैं। ये देखिए जी ये पैब्लो वाला कलर है जी, और वो भी कॉपर कलर वाले ही ज़्यादातर दिख रहे हैं यहाँ पे, वाइट एंड ब्राउन, वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ग्रे, साइबेरियन हस्कीज का ये कॉम्बिनेशन है। सो मेरे साथ एक बहुत प्यारा सा बच्चा है जी, और उसे गोदी उठाया हुआ है बिकॉज ठंड भी बड़ी है जनाब के लिए, बाल छोटे होते हैं लेकिन लाडला बहुत है। सर क्या नाम है जी आपके बच्चे का? इसका इसका नाम है डाकू। डाकू, ओ तेरी दी, एक मांगने पे दो लेता है वही वाला। ओह गुड है यार, ग्रेट है ग्रेट है। तो ये जो डाकू भाई साहब, इनको आप शो के लिए लाए? वैसे ही नहीं, शो के लिए। शो के लिए लाए तो आया कुछ? कुछ अच्छा भी रिंग नहीं हुआ। चलो जी बहुत बेस्ट विशेस डाकू के लिए। डाकू सिंह क्या बात है, थैंक यू जी। हाय जी, कैसे भाई, पहचानते हैं मुझे? ओ क्या बात है, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, आपके साथ तो डेफिनेटली आपके दूसरे ब्रदर से मिलता रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो भाजी कैसा रहा डॉग शो आज का? ठीक है जी, बढ़िया चल रहा है। ओके गुड, चलो मैं देख रहा था कि बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारी लेडीज भी आई हुई हैं, किनका क्या इंटरेस्ट है, जेंट्स आए हुए हैं। तो बेसिक बात यह है कि ये देखिए जी पीछे हमारे कितने सुंदर डॉग्स हैं, और बैल साहब, ये मेरे साथ में बैल साहब हैं जी, और ये अमृतसर में इनकी डॉग शॉप है बहुत प्यारी सी, जो अभी जस्ट पहले मैम बात कर रहे थे वो इन्हीं की वाइफ है आई बिलीव। और मैं इसीलिए जानना चाह रहा था कि
ये मुझे बाद में पता चला कि भाई वो है, क्योंकि मैंने जानता हूँ फ़ोन पे पहले बहुत बारी बात हुई है बीइंग फ्रॉम सेम प्रोफेशन, बट इट इज़ नाइस एक्सपीरियंस. ठंडा सा मौसम है और डॉग्स बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो ये देखिए जी, ये दो बहुत ही प्यारे से डॉग हैं, ये लोग बिना एंट्री के आए हुए, आ जाओ. ये बहुत प्यारे से डॉग हैं, सुबह से इंजॉय कर रहे हैं. डॉग शो को जितना इंजॉय इन्होंने किया है किसी और ने नहीं किया होगा. बेसिकली जो डॉग्स हैं ये प्यार के भूखे होते हैं, इनको प्यार चाहिए होता है. उसके चेहरे पे देखिए, ओ तेरी इधरा मेरी लड़ी सुंदरी इधरा मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ. बहुत प्यारे से बच्चे हैं जी, इंजॉय कर रहे हैं लोग भी डॉग शो में. हाँ जी गुगू प्रसाद जी, क्या नाम है आपका? चेरी जेली जेनी. ओके सो जी, मेरे साथ में जेनी है. जेनी साहब कितनी एज होगी जी जेनी की? जेनी भाई कभी जिम विम देखा है? हाँ हम जैसे दोस्तों के लिए है वो, तेरे और मेरे जैसों के लिए ना जी कोई इंटरेस्ट नहीं है. और इसका क्या नाम है? इसके बच्चे का बच्चा. अच्छा बच्चे का बच्चा, ग्रैंडसन. हाँ वेरी नाइस. कितनी एज है जी इसकी? 4 इयर्स. आप लोग कहाँ से आए? अमृतसर से. लोकल अमृतसर से. ओके 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 ओके. 27,000 फॉलोवर. अच्छा ग्रेट, वेरी नाइस वेरी नाइस. इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए, बिकॉज ये जो एज है बहुत क्रूशियल है, बीइंग अ पेट लवर कह रहा हूँ. बाकी क्योंकि फिर चलना फिरना और बाकी सब चीज़ भी मुश्किल हो जाती है. कैसा राजेश हो बच्चे का? ब्यूटीफुल किड, बहुत प्यारा बच्चा है जी. क्या नाम है इसका? रूबी. कितनी एज है जी इसकी? नूरी. और एज कितनी होगी? हाँ जी 10 मंथ्स के करीब. अच्छा दोस्तों, मेरे साथ एक बहुत स्पेशल सा छोटा सा बच्चा है जो डॉग शो देखने आया है. नाम बताइए अपना. लवदीप. स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ अच्छा एक बात बताओ, पढ़ने जाते हो कि मैम को पढ़ाने जाते हो? पढ़ने नहीं जाते. अच्छा खेलने जाते हो? खेलते हैं मैम, खेलते हैं. यहाँ पे क्या करने आए हो? डॉगीज देखने? किसके साथ? पापा साथ. अच्छा मिला कोई डॉगी, खेले किसी के साथ में? हाँ ये जी छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं पेरेंट्स के लिए भी, जब वो बच्चों को डॉग शो पे लेके आते हैं या उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे फेयर पे लेके जाते हैं. क्योंकि दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइम, जब हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेयर करते हैं, शेयर करते हैं. थैंक यू, से थैंक यू, लव यू, बाय, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू जी, थैंक यू. ये जी बहुत प्यारा सा एक ग्रुप खड़ा है मेरे पास में इस समय, फ्रेंच बुलडॉग बेबीज का. तीनों के अलग कलर हैं. क्या नाम है जी सिंह साहब इसका बच्चे का? प्राउड. पार्डन? दीपाशा प्राउड. दीपाशा प्राउड. ओके कितनी एज होगी जी बच्चे की? 17 महीने. 17 मंथ्स. ओके ओके ओके. और वो वाला? वो ब्रीडिंग इंडिया है, दीपाशा डैनियल ग्रे. डैनियल ग्रे. ओके आप कहाँ से हैं सिंह साहब? न्यू दिल्ली. ओके ओके ग्रेट. बहुत प्यारे से क्यूट से बच्चे हैं जी, और ये उन दोस्तों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो छोटी ब्रीड रखना चाहते हैं, जिसका साइज छोटा रहे और ज़्यादा मैनेज करने के लिए दिक्कत ना रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बाल भी छोटे हों. सिंह साहब यू आर द ऑनर. आप ऑनर हैं? अच्छा अच्छा. कितनी एज है जी इसकी? इसकी एज है 2.5 साल. 2.5 साल. ये सेल के लिए लाए हैं क्या? सेल के लिए नहीं, शो के लिए लाए थे. अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस. तो कैसा रहा शो कैसा रहा? बढ़िया रहा, जीत गया बच्चा. ओ क्या बात है, वो देखो जी ट्रॉफीज पड़ी हैं बच्चे की, और ये ठंड के मज़े ले रहा है. इन ब्रीड्स के लिए बहुत हेवन वाला वेदर है, क्योंकि इनके बाल बड़े हैं, और जिनके बाल छोटे हैं उनको बहुत ठंड लग रही है बढ़िया वाली. क्या नाम है जी बच्चे का? ब्रोनी. ब्रोनी ब्रोनी, गुड बॉय. बड़ा सुंदर बच्चा बन के चला हुआ है. हाँ जी कितनी एज है भाजी इसकी? 1.5 साल. 1.5 साल. कपड़ों का स्टाइल बहुत सुपर डाला हुआ जी, मज़ा आ गया देख के. थैंक यू भाजी. यहाँ लोकल ही है जी? अच्छा अच्छा गुड ग्रेट. 40 दिन दे होने जी. ओके की रेट की रखे भाजी? रेट 5,500 दा मेल, 3,500 दी फीमेल. ओके ये जी बच्चे आए हुए ने अमृतसर डॉग शो च, 40-45 डेज दे बच्चे ने, नए घर जाने की वेट कर रहे हैं, बहुत सारी ब्लैसिंग्स के.
छेती इन्हों इन्हों का नवा घर मिले तो भजन अपनी जगह पर। ये देखिए जी, एक ना मुझे सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी ना भाई, पहले अपनी शक्ल दिखाओ, इधर देखो मेरी, और देखो क्या नाम है, विक्की। विक्की, जो सबसे अच्छी बात लगी ना ब्रदर मेरे को, सर्दी बहुत है लेकिन बच्चों को ना ढक के रखा हुआ है। ये इकलौती केज देखिए जहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं और उनको ना अपनी तरफ से कोजी रखने की कोशिश की हुई है। जो बच्चे हैं ना वो, उनको नहीं पता इस चीज़ का क्या मानना है, लेकिन मेरे को बहुत एग्जैक्टली पता है। क्या रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? ओके ओके, थैंक यू। देखिए जी, यहाँ पे एक ग्रोन अप लाभ फीमेल है, ओ चुनकी मुनकी, ये भी सेल के लिए आ रखी है। उसने बेबीज दिए हुए हैं, आप उसके टीट से, उसके थन से पता लग जाता है कि उसने बच्चे दिए हुए हैं। और ये 2.5 साल की है। पाजी क्या रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 9000 में मिल रही है जी ये ग्रोन अप लाभ फीमेल। इस तरह की बड़े डॉग्स भी बहुत बारी मिल जाते हैं डॉग शोज़ में। और बाकी अगर आप रखें तो शौक से रखें और इनकी केयर बहुत अच्छे से करें। डॉग खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद में उसकी केयर करना इम्पोर्टेंट है। कितनी एज होगी जी इसकी? 14 मंथ का। सेल के लिए लाएँ, शो के लिए लाएँ? ओके। ये जी मेरे साथ में बहुत प्यारा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ बात, बहुत ही प्यारा गुगू मुगू सा ऐश है। और ये अमेरिकन बुली है। पाजी साइज़ कौन सा है इसका? माइक्रो साइज़ में है जी। और इसे शो के लिए लाए थे, कैसा रहा शो? अच्छा, कल जीत गया सी, गुड। पिछले कल एक और डॉग शो था यहाँ पे, उसमें इसने विनिंग की है। टेम्परमेंट कैसा है इसका, बिहेवियर कैसा है? शांत है, गुस्से वाला नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे साथ में जी बहुत ही प्यारा सा ऐश है। अगर इतनी सर्दी नहीं होती तो मैं इसका कोट खुलवा के भी दिखाता आपको, लेकिन इसका कोट नहीं खोलेंगे क्योंकि ठंड बहुत है और इनके बाल बिल्कुल छोटे होते हैं और इनको ठंड लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जितनी तारीफ की जाए इस बच्चे की उतनी कम है। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ना जो सुनी सुनाई बात पे विश्वास करते हैं, वो बोलते हैं भैया अमेरिकन बुली है तो वो अग्रेसिव होगा, वो अटैक करेगा, वो कुछ भी करेगा। इस बच्चे से आज मैं ज़िंदगी में पहली बार ही मिल रहा हूँ और शायद आखिरी बार मिल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये डॉग शो पे लाएंगे या नहीं, मैं वीडियो शूट करने आऊँगा या नहीं, लेकिन ये, इसने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर अग्रेसिव ब्रीड या गलत तरीके से रखेंगे तो कोई भी ब्रीड को आप बुरा बना सकते हैं, लेकिन बार बार यही बात मैं बोलता हूँ, अमेरिकन बुलीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रीड। देखिए इसकी तारीफ कितनी, क्या शानदार है, बिल्कुल रेसलर जैसी बॉडी है, वैसे ही शानदार सी, कॉम्पैक्ट सी, बहुत ही शानदार। थैंक यू। लो भाजी, हाँ जी, पहले ये बताइए ब्रीड कौन सी है जी आपके पास में? कल्चर टॉय मिक्स है। कितनी एज का बच्चे? 50 दिन का बच्चा है। ओके, फीमेल है ये? फीमेल है। ओके, बाकी सेल हो गए 8 बच्चे थे। ठीक है, सारे सेल हो गए, यही बची है। ओके, क्या रेट एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये 7000 की फीमेल है, बाकी मानदान कर लेंगे जो भी होगा। सो डियर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा रहा आज का डॉग शो, इंजॉय किया, बहुत सारे लोग आए थे उन्होंने भी इंजॉय किया। लेकिन कंपैरिजन में अगर हम बात करें पिछले साल के कंपैरिजन में, तो डॉग्स की एंट्रीज कम थी, कम लोग आए, क्राउड कम आया डॉग शो देखने के लिए। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम नेक्स्ट जो डॉग शो अमृतसर का कवर करेंगे वो बहुत अच्छे वाली, फिर से रौनक होगी, पुराने वाला टाइम दोबारा आएगा सभी का ऑफकोर्स। और बड़ा अच्छे से मैनेज किया होता डॉग शो को, ऑर्गेनाइज़र ने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज और प्रॉपरली, और वी हैड लंच और इट वाज नाइस, वंडरफुल। थैंक्स टू अमृतसर कैनन क्लब फॉर दैट, फॉर होस्टिंग अस, एंड थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस ना करें। और मेरे साथ में एक बहुत ही बेहतरीन से इंसान हमारे वाटू भैया, राइट, और ये करता धरता है अमृतसर डॉग शो के। और भाई जी बहुत अच्छा था, अभी मैं वही तारीफ कर रहा था कि पुराने वाली रौनक अगले डॉग शो में वापस लुट आनी चाहिए, और आप सबने बहुत अच्छे से मैनेज किया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। Your friends forever.